टू का टेन नंबर, इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फोर टेन इनवर्स 1/5 माइनस का टेन इनवर्स 1/239, हमें पाई बाई फोर प्रूव करना है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक टू ऐसे ही लिख देते हैं और फिर इंटू में टू टेन इनवर्स 1/5, ताकि मैं यहाँ टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा सकूँ। तो बहुत बार हमने फॉर्मूला लिख दिया, मैं डायरेक्ट फार्मूला ही लगा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये टू टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना होगा, और माइनस में है टेन इनवर्स 1/239। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टेन इनवर्स, यहाँ पर 2/5 और नीचे 1 माइनस 1/25 और माइनस में टेन इनवर्स 1/239। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 2 टेन इनवर्स 2/5 और नीचे आपका एलसीएम होगा 25 माइनस 1 माइनस का टेन इनवर्स 1/239। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स 2/5 और इंटू में 25/24, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, और माइनस में टेन इनवर्स 1/239। ठीक है, यहाँ पे इसे काट देते हैं 5 टाइम्स में और ये इसे 12 टाइम्स में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स 5/12। फिर से हम अगेन फार्मूला लगाएंगे टेन 2 टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 2x की जगह 5/12 और माइनस 1 बट्टा में 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर और माइनस में टेन इनवर्स 1/239। चलिए यहाँ से कट जाएगा, 5/6 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 5/6 और बाई में नीचे 1-25/144 और माइनस में टेन इनवर्स 1/239। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करिएगा तो टेन इनवर्स 5/6 और नीचे आपका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आपका होगा 144, यानी यहाँ आ जाएगा 144 माइनस का 25 और माइनस का टेन इनवर्स 1/239। तो यहाँ से हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 5/6 इंटू में 144 और बाई में, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 119 और माइनस का टेन इनवर्स 1/239। ये इससे काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 2 12 6 4 24। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स 5 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और बाई में 119 और माइनस का टेन इनवर्स 1/239। तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 120/119 माइनस 1/239 और बाई में 1+120/119 और इंटू में 1/239। चलिए अब ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलिए तो ऊपर और नीचे एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स ऊपर इन दोनों का 119 और 239 के एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे 28441 और यहाँ हो जाएगा, इसमें से डिवाइड करेंगे तो आपका 239 आएगा, 239 में 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28680, ठीक है, और माइनस यहाँ पे इसमें से डिवाइड करेंगे 119 और 1 से इंटू होगा तो 119 ही आएगा। नीचे आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, इंटू कर लोगे ना, तो इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 28441, या नीचे डिनोमिनेटर 1 है इसमें डिवाइड होगा यही आएगा, 1 जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 28441 और प्लस में इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई से इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए टेन इनवर्स यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 28561 और नीचे भी आपका वही आ जाएगा 28 यहाँ ऐड करने पे 561, तो कट के 1 आ गया, टेन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4, तो आरएचएस में हमें पाई बाई 4 ही तो लाना था ना, ला दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर।